तो हेलो मोर गैंग, स्वागत है आपका एक और नए रोब्लॉक्स की वीडियो में। और आज हम लोग थीम पार्क बनाने आए हैं। यार यहाँ पे हम लोग बहुत सारे झूला वूला सब लगाएंगे, थीम पार्क तो तुम लोगों को पता ही है ना। अरे आजा, तेरे को थीम पार्क दिखाओ, यहाँ पे कितना बढ़िया बन रखा है इधर। अरे बाकी लोगों ने बनाया है, उनके साथ हमें कॉम्पिटिशन करना है। हमें अपना अच्छा थीम पार्क बनाना है ताकि इन जैसे लोगों से हमारे ज्यादा कस्टमर आ पाए। और ये देखो, अच्छा थीम पार्क ऐसा होता है। ये देखो यहाँ पे झूले हो गए, यहाँ पे स्टॉल्स हो गए बर्गर के, पॉपकॉर्न के। ओके, और ये देखो रात हो गई है, ये कॉफी भी है यहाँ पे। और देख आयुष, ये देख घोड़े वाला झूला। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि दीदी गायब हो चुकी है, मेरे को पता नहीं है। अरे मैं तेरे पास ही हूँ। इतने सारे कस्टमर, गाइस आज हमारे पास इनसे भी ज्यादा कस्टमर होंगे। तो चलो हम लोग अपने थीम पार्क की शुरुआत करने चलते हैं। रात को बनाएंगे तो बढ़िया है, बिना कस्टमर के देखे हम लोग पहले थीम पार्क बना देंगे और सुबह हमारी थीम पार्क की ओपनिंग हो जाएगी। लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी कस्टमर्स है। ये देखो गाइस, ये है मेरा थीम पार्क, आयुष मोर ओपीस थीम पार्क। और इसके अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 अभी भी 5 कस्टमर है, जिसमें तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो तुम लोग देख रहे हो ना, तुम्हारा भाई कितना तरक्की करेगा। तो इसी बात पे देखो, घुसने से पहले ही लाइक का बटन दबाना, यहाँ पे बोला भी गया है। आने से पहले लाइक का चढ़ावा कर दिया जाए। तो चलो, लगता है सभी लोगों ने लाइक कर दिया। तो दीदी ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। दीदी का थीम पार्क उस तरफ है। हाँ मैं जा रही हूँ, पर उससे पहले गाइस तुम लोग मेरे लिए भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो आयुष तू कहाँ चला गया? मैं दीदी के थीम पार्क में, और दीदी के पास भी उतने ही कस्टमर है। ओ माय गॉड, ये कॉम्पिटिशन। हाँ, और क्या यार, तेरे जितने कस्टमर होंगे उतने कस्टमर मेरे भी तो होंगे ना। चलो भाई ठीक है देखते हैं। तो चलो अभी हम लोग थीम पार्क बनाएंगे, हमें अपने राइड्स लगाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग घुस जाते हैं अपने थीम पार्क में। और नीचे में देखो, यहाँ पे राइड स्टॉल से सब के ऑप्शन सारे ये हमें लगाने हैं। और राइट साइड में, टॉप राइट साइड में यहाँ मनी दिखा रहा है। भाई हमारे पास इतने सारे पैसे है, हमें इन पैसों का खर्च करके राइड लगाने हैं। तो पहले भाई मुझे यहाँ पर ये देखो, ये चाय का राइड लगाना है यहाँ पे। अरे लग गया क्या? हाँ ये देखो लग गया है। वही, ये सही है। अभी हमें एंट्रेंस और एग्जिट भी बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम एंट्रेंस बना देते हैं और यहाँ पे एग्जिट बना देते हैं। ओके, क्योंकि लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आने जाने के लिए रास्ता भी चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पाथ पे क्लिक करेंगे, क्यू पाथ पे, और यहाँ पर, और यहाँ ये देखो इस तरीके से रास्ता लग जाएगा। और एग्जिट के लिए भी यहाँ पे सेम चीज हमें करनी है। तो गाइस ये देखो हमारा एक यहाँ पे झूला लग गया है, और इसे अभी हम लोग ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के लिए क्या करें? हाँ यहाँ पे क्लिक एंड ओपन, यस। और हमारा एक झूला खुल गया। क्या कस्टमर्स यहाँ पे जाएंगे? रात हो गई है शायद, इसलिए नहीं यहाँ झूला झूलने का मन नहीं है। लेकिन तब तक हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉल्स लगा देते हैं। तो और ये जा रहा कस्टमर, वो देखो गया। अरे नहीं जाने का मन करने लग गया। यस गाइस, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके खाने पीने के लिए यहाँ पे दुकानें लगाते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान लगा देता हूँ, इसका हम लोग मुंह भी घुमा सकते हैं इस तरफ करके। ओके, और ये देखो अभी हमारा यहाँ पे एक राइड लग चुका है, और एक यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान लग चुकी है। अब जो भी आएंगे वो पैसे खर्च करेंगे यहाँ पे। ये देखो मैंने अपने दुकान से ये सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया है मेरे हाथ में, देख रहे हो? और ये भी ले रहा है। तो चलो अभी हमें अपना काम बढ़ाना है। पता नहीं दीदी ने कितना प्रोग्रेस किया होगा। तो गाइस मैंने भी यहाँ पे ये झूला लगा दिया है, और इस झूले का जो प्राइस है ना, ये मैंने $10 दिए। और तुम लोग देख सकते हो अभी मेरे पास टोटल मनी 9,700 बचे हैं। मतलब इसी के अंडर में मुझे यहाँ पे झूला वूला लगाना है, और दिन भी हो गई है, अब तो कस्टमरों की लाइन लगने ही वाली है। तो चलो यार यहाँ पे हम लोग दूसरा झूला लगाएंगे। तो राइड ले लेते हैं, और इस बार हम लोग ये करोजल वाला लगाते हैं झूला गाइस। और इसको पता है जितना दूर लगाएंगे ना उतना ज्यादा पैसा मिलता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है, अब यहाँ पे एंटर करने के लिए पाथ लगाएंगे, और ये एग्जिट करने के लिए पाथ लगा रहे हैं। भाई लोग सुबह हो गई है और पैसे कमाने हैं। देखो यहाँ पे राइड पे बहुत लोग आ रहे हैं, तो यार इनको ना मुझे इनसे और पैसे खर्च करवाने हैं। तो यहाँ बीच में जगह है, मैं कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न का स्टॉल लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं बर्गर का स्टॉल लगा देता हूँ, और यहाँ पर ये रिफ्रेशमेंट। भाई अच्छा इसका एंट्रेंस भी घुमाना पड़ेगा क्या? अच्छा अच्छा ये भी एक चीज है। तो यहाँ पर मैं इसका एग्जिट की तरफ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं पिज्जा वाला लगा देता हूँ, और ये इन सबको घुमाना पड़ेगा। देखो पॉपकॉर्न तो यहाँ से ले लेंगे, लेकिन ये बर्गर वाला मैंने गलत लगा दिया है। तो इसको हम लोग पहले डिलीट कर देते हैं, और फिर से हम लोग बर्गर का सिलेक्ट करते हैं।
हैं और इस तरीके से लगाते हैं, अब सब लोग आराम से खरीद सकते हैं चीजें। तो भाई ये भी सही हो गया है और इनका हम लोग रेट भी डिसाइड कर सकते हैं। पता है अभी देखो यहाँ पे $10 के मैं यार $20 में बेचूंगा भाई, पैसे चाहिए भाई। इसको भी हम लोग रेट इसका बढ़ा देते हैं, ये 7 है, इसका भी 15 कर दो, चलो डबल कर देंगे, और इसका भी हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं। सही है, अभी खाने पीने का काम हो गया भाई। झूले पे बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है तो और झूला लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर झूला लगाएंगे बड़ा वाला। तो राइड्स में जाके बहुत सारे ऑप्शन है, एक काम करते हैं फेरस व्हील लगाते हैं। ओहो, लेकिन फेरस व्हील के पैसे नहीं है भाई मेरे पास, अभी देखो सिर्फ 8,000 रुपए है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ये प्लेन राइड लगाता हूँ इस तरह को। यस, ये लग गया है और अभी हमें इसका एंट्रेंस और एग्जिट बनाना है। यहाँ पे एंट्रेंस हो गया, यहाँ पर एग्जिट हो गया है और अभी रास्ता बना दो भाई। वही काम हमें बार बार करना है, हमें रास्ता वस्ता बनाना है। चलो यहाँ पर हम लोग क्यू की पाथ लगा देता है इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग नॉर्मल वाला रास्ता लगा देते हैं और इन सबको ऐसे करके जोड़ देते हैं। और अब यहाँ पर भी कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे और इसकी कर देते हैं ओपनिंग। तो मोरगैंग अपना थीम पार्क अभी ऐसा लगा रहा है और पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, तो मैं पैसे आने का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं दीदी ने कितना प्रोग्रेस कर लिया होगा, मुझे जाकर देखना पड़ेगा मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। चलो ये और ये आ गए। ओए हेलो कॉम्पिटिटर, क्या कर रहे हो आप? हेलो हेलो, ओ माय गॉड, दीदी ने भी कुछ खास कंपटीशन में किया नहीं है, बस यहाँ पर ये लगाया है, ये देखो। ठीक है ठीक है, और यहाँ पर अरे मेरे यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, तू देख भी रहे क्या? हाँ लोग तो आ रहे हैं यार, वैसे मानना पड़ेगा मेरे पास 22 गेस्ट है राइट साइड में, देखो टॉप पे आ रहे हैं। तुम्हारे कितने हैं? 26। ओ दीदी के ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं, ये तो गलत हो गया है। मेरे पास वैसे तो 24 आ गए हैं, मेरे पास और भी आएंगे। मैं भी अपना काम बढ़ाता हूँ दीदी, अभी देखना। सही है जा जा। तो गाइस मैंने यहाँ पे खाने के लिए सब कुछ लगा दिया और तुम लोग देख सकते हो कि ये लोग कॉफी का कप यहाँ नीचे फेंकने लग गए हैं, तो मुझे यहाँ डस्टबिन भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो डस्टबिन के लिए सबसे पहले यहाँ पाथ लगा देते हैं, और इधर में ही कहीं पे लिखा हुआ है ट्रैश कैन एंड लैंटर्न्स, तो ये ट्रैश कैन को यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। क्या होगा ना कि ये लोग कचरा एकदम सही जगह पे फेंकेंगे, हर जगह कचरा पट्टी नहीं फैला देंगे। और इसको भी मुझे साफ कर देना चाहिए, इसको क्लीन कर देते हैं एफ दबा के। तो ये देखो गाइस मेरा पैर कैसे घूम रहा है जैसे मैं क्लीन कर रही हूँ। तो और मेरे पास काफी पैसे भी आए जा रहे हैं, लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो सही है। अब मेरे ये झूला वूला भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि दूसरे साइड में और राइड लगाओ। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है, मुझे लगता है इसको वॉशरूम चाहिए। तो एक काम करती हूँ मैं वॉशरूम भी लगा देती हूँ गाइस, इस साइड लगाते हैं। गाइस मैंने भी यहाँ पे रेस्ट रूम लगा दिया है, काफी लोगों को भाई यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, और मेरे यहाँ पे गंदगियां भी चालू हो गई है यार। ये देखो यहाँ पर भी कचरा मिल गया, अभी से हमें क्लीन करो। अरे ये क्या करेगा, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वही ना, कितना मजेदार लगता है देख के। ये तो बहुत ही फनी है, मैं लोगों के बीच पैर घुमा रहा हूँ। और यहाँ पे काफी अंधेरा भी हो गया, तो मैं सोच थोड़ा बहुत लाइट वाइट भी लगा देते हैं ना। ओ हाँ ये भी कर सकते हैं, सही बोला दी। तो ये मैं $40 वाले यहाँ पे लगा देती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा नहीं रहना चाहिए गाइस, तो इसको लगाते हैं यहाँ। तो गाइस हमारा थीम पार्क तो काफी तरक्की कर रहा है, लेकिन पैसे बहुत धीरे आ रहे हैं। अभी जितने भी आए हैं उससे मैं एक राइड यहाँ पे और लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ $1800 है, तो $1600 वाला मैं ये स्पाइरल वाला लगा देता हूँ, ये देखो। और यहाँ पर इसका एंट्रेंस भी बनाना पड़ेगा मेरे को। तो ये हो गया एंट्रेंस, ये हो गया एग्जिट, और इसे फटाफट से आगे तक हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ तक, और फिर इसका हम लोग पाथ बना लेते हैं कुछ ऐसे करके। यस, और अभी कस्टमर इसमें जा पाएंगे, और इसका एग्जिट भी हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, और इस वाली राइड को कर देते हैं ओपन। और पैसे भाई $20 कर दो, पैसे की बहुत कमी हो गई है भाई यार, ऐसे तो हम लोग हार जाएंगे। गाइस एक काम करते हैं, क्या हम लोग मनी बाय कर सकते हैं रोबक्स के थ्रू? यस, एक काम करते हैं मैं 25,000 यहाँ पे डॉलर खरीद लेता हूँ, 50 रोबक्स लगेंगे ठीक है, और इससे हम लोग कर देते हैं बाय, लेट्स गो। और क्या मुझे मिल गया? यस भाई ये देखो रोबक्स का कमाल गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने परचेज कर लिया है। तुम लोग भी फटाफट से सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग को भी रोबक्स में दिलवा दूंगा, चिंता मत करो, एक रैंडम सब्सक्राइबर को रोबक्स मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपना काम बढ़ाते हैं, दीदी से जीतना है मुझे। अरे तू नहीं जीत पाएगा यार, मैं तो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही हूँ भाई। यहाँ पे स्टॉल लगाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे पैसे ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पर भी हम लोग इसका कॉस्ट $20 रख देंगे, तो राइड का भी भाई कॉस्ट $20 ही होता है, इसका भी $20 होता है,
इस वजह से हमें इससे पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर इस तरीके से अपना दिमाग चला रहे हैं पैसे ज्यादा बढ़ाने के लिए। ये देखो ना, मैंने जगह का भी कितना अच्छे से यूज लिया है, यहाँ पर इस तरीके से स्टॉल लगाए हैं ताकि एग्जिट से आते ही लोग यहाँ पे खाना खा सके। फिर वहां पर भी मैंने ऐसे ही किया है, यहाँ पर भी एग्जिट के टाइम लगाया, तो भाई इससे जगह भी बचता है यार। और आते ही मैंने रेस्ट रूम भी लगा दिया। अभी देखते हैं कि कस्टमर कितने खुश है। अभी जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखो इसकी हैप्पीनेस परसेंटेज अच्छी आ रही है, हंगर वंगर सब कुछ सही है। तो आई थे अपना पार्क अभी सही चल रहा है, तो अभी इसे एक्सपांड करना होगा। A few moments later. तो मोर गैंग, इस एपिसोड का मेरा फाइनल थीम पार्क रेडी है। हम लोग दीदी के साथ अभी शो डाउन करेंगे। तुम लोग रेडी हो मेरा देखने के लिए? लेकिन पहले हम लोग दीदी को बुला लेते हैं। दीदी आ जाओ, मेरा थीम पार्क देखने के लिए बहुत ही गजब बना है। ओके, मैं आ रही हूँ, देखते हैं आयुष ने कैसा थीम पार्क बनाया है। चलो भाई आ गई हूँ मैं। ओहो आ जाओ, ये देखो यहाँ पर इतने सारे कस्टमर, अभी 45 कस्टमर्स हैं। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ लगाया है ये वाला चाय का कप, और यहाँ पर बीच में मैंने एकदम जगह का उपयोग करते हुए बीच में मैंने स्टॉल्स लगा दिए और एग्जिट यहाँ लगा दिया है, तो लोग यहाँ से निकलते हुए खाना वाना खा सकते हैं इस तरीके से। सही है, सही है। और यहाँ जाते हुए भी खाना खाएंगे, फिर यहाँ पर इसमें घूमेंगे, इस वाले राइड में सबसे ज्यादा घूम रहे हैं, ये वाला इनको काफी पसंद है। अरे ये वाला राइड तो मैंने लगाया नहीं, इस राइड का नाम क्या है? राइड का नाम एरोप्लेन है, एरोप्लेन। ये देखो मैं भी लगाऊंगी। तो आओ मैं तुम्हें बाकी चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पर भी ये स्टॉल्स लगाए हैं। भाई कूड़ा कचरा भी बहुत हो रहा है, साफ करता रहता हूँ। तुमने खाने पीने का काफी कुछ गया, और फेरीज भी यार सही है यार, इसमें बैठना है मुझे। आयुष आ जाओ तुम्हारे लिए यहाँ पर एग्जिट से घुसी हो, लेकिन ठीक है। और ये देखो बैठ गई। क्यों सही लग रहा है यार, ये बहुत ही सही है। ये भी मेरा पॉपुलर राइड है, सबसे कॉस्टलीस्ट राइड है ये मेरा। अबे यार मैं फंस गया हूँ, निकल गया। कूद जाओ ऊपर से। अरे भाई साहब सही है यार। और तुमने इतना कचरा पट्टी फैला रखा है, यू ट्रैश कैन भी लगाया तुमने? हाँ, मैंने लगाया था, लेकिन यार मेरे पास इतने सारे कस्टमर आते हैं ना, क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लगाने का सोच तो रहा हूँ, तो चलो फिर यहाँ पर ऐसे करके कैश ट्रेंस हम लोग लगा देते हैं, लेकिन लोग यूज करे तब ना भाई। आजकल कहाँ कोई मानता है, ये हमें हाथ से ही सफाई, मतलब पैरों से सफाई करनी पड़ती है भाई। तूने चार चार एक साथ लगा दिया, ये भी सही है। तो चलो आओ मैं तुम्हें आगे का दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर है सिटिंग एरिया। ये एरिया बहुत सही लग रहा है यार, यहाँ पे हम लोग खरीद वरीद भी सकते हैं। ये देखो डाइनो का हेड, एकदम सही है यार। यस, हेलीकॉप्टर। यहाँ पर हम लोगों ने सिटिंग एरिया दिया, आराम से खा पी लो, रेस्टोरेंट दिया है ताकि जाके हम लोग यहाँ पे थोड़े फ्रेश भी हो सकते हैं और पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं, ड्रिंक पी लो, सब कर लो, खा लो पी लो, ऐश करो। यहाँ पर भी मैंने जगह बना दिया है। नाइस यार, सही है। अब चल आजा, तेरे को मैं मेरा दिखा दियो, आजा। ओके, अभी दीदी का देखेंगे। और गाइस तुम लोगों को मेरा कैसा लगा भाई, रेटिंग दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। ये देखो पूरा लोड हो गया है, तो फटाफट से दो। अभी हम लोग दीदी का देखने चलते हैं, लेट्स गो। चलो, मेरे को पता है तेरे को मेरा वाला काफी अच्छा लगने वाला है। Oh my God, एकता मोर का थीम पार्क गाइस। और ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा स्टॉल लगा दिया है खाने पीने के लिए। ये देख, और एक भी कचरा तेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह मैंने ट्रैश कैन लगाया है। और इधर ये मेरा टी कप वाला में भी कितना भीड़ है, तू देख रहा है? हाँ यार, ये तो है, तो सही मानता हूँ मैं। और ये घोड़ा वाला झूला भी अच्छे यहाँ पर भी बैठेंगे। ये देखो, हाय हाय, है ना, देखो मैं भी बैठ ही जाती हूँ इसमें। यार ये बहुत मजेदार लगता है यार इसे झूल के ना। और तूने भी सीटिंग एरिया बनाया है, यहाँ पे फाउंटेन भी लगाया है। हाँ, और यहाँ पे पूरा खाने पीने का एरिया, रेस्ट रूम लगाया है। और तूने एक चीज नोटिस नहीं किया, यहाँ पे मैंने रोलर कोस्टर भी लगाया है, ये देख। दीदी ने रोलर कोस्टर भी लगा दिया है यार, वाह। और रोलर कोस्टर की भीड़ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे देख लोगों की भीड़। और मेरे पास में टोटल गैस 67 है। ओह शिट दीदी, इतने सारे लोग, मेरे तो 50 है यार। देखा, और यहाँ पे भी मेरे बहुत सारे झूले लगाए। आजा तेरे को दिखाती हूँ मैं, ये इंटेंस वाला झूला देख। ओहो, इसमें करना क्या होता है, इसे बैठ के क्या घूमर घालते हैं? ओ तेरी, ये देखो घूमर हो गया ये तो। है ना मस्त। और ये अच्छा स्पाइरल वाला, वाह भाई, ये
स्लाइड वाला। ठीक है यार। भाई दीदी मेरे को तो तेरा काफी अच्छा लगा, लेकिन मानना पड़ेगा यार दीदी को डेकोरेशन बहुत अच्छा आता है। तो गाइस तुम लोग दीदी का कितना रेट करना चाहोगे बताना, और फटाफट से लाइक सब्सक्राइब करके भी बताना कि तुम लोग को कौन सा ज्यादा पसंद आया। और लास्ट वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हो उसे जाके देखो, इसका पार्ट टू चाहिए तो भी तुम लोग मेरे को बताओ फटाफट से। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन बाय बाय बाय।